देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। अभी कुछ दिनों में दुर्गा पूजा आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना दुर्गा पूजा स्पेशल कुछ बनाया जाए। इसीलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी। ये बिरयानी हैदराबादी बिरयानी और अवधी स्टाइल बिरयानी से बहुत ही डिफरेंट होता है और इसमें बहुत ही लिमिटेड स्पाइस का ही यूज होता है। इस बिरयानी को बनाते टाइम पाउडर स्पाइसेस का यूजेस बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें सारे होल गरम मसाला ही पड़ते हैं। इसीलिए ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही एरोमेटिक होता है। इस बिरयानी को बनाने में बहुत ही कम झंझट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिगनिंग से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तो आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए बनाना स्टार्ट करते हैं कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी। सबसे पहले हम बिरयानी मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ होल गरम मसाला लिया है, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 6 हरी इलायची, 2 टीस्पून शाही जीरा, 1 टीस्पून लौंग और बिल्कुल 1/4 टीस्पून के इक्विवेलेंट हमने लिया है जायफल। जायफल का यूज़ बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि इसे अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये करवाहट प्रोड्यूस करता है खाने में। तो इन सारे चीज़ों को हमें ग्राइंड करके इसका एक फाइन एक पाउडर बना लेना है। फ्रेंड्स, कोलकाता स्टाइल बिरयानी में कबाब चीनी का भी यूज़ होता है, क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसे ऐड नहीं किया। अगर आपको अगर कबाब चीनी अगर मिल जाए तो आप इसमें 1 टीस्पून कबाब चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, तो ये और ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले हम बरिस्ता बना लेते हैं, यानी कि ब्राउन अनियन हमें बनाना है, जो कि बिरयानी का खास इंग्रेडिएंट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डीप बॉटम वाला छोटा सा कढ़ाई गैस में चढ़ा दिया। कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें सफिशियंट अमाउंट में हमें रिफाइंड ऑयल ऐड करना है, ताकि अनियन जो है डीप फ्राई हो सके, और तेल को हमें गर्म कर लेना है। यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज अनियन को जूलियंस में कट करके लिया हुआ है। अब हमें इसे बैच वाइज डीप फ्राई करना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है अनियन डालेंगे और इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। जैसा कि आप देख रहे हो, अनियन जो है ब्राउन हो चुका है। अब इसे बिल्कुल एक ड्राई बोल में उतार लेंगे, गैस जो है बिल्कुल सिम ही रहना चाहिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें रिमेनिंग अनियन को भी फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, कोलकाता स्टाइल बिरयानी में आलू भी ऐड होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 लार्ज साइज के पोटैटोज को हाफ में कट करके अच्छी तरह से धो के लिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब करीब टर्मरिक पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और 1/2 टीस्पून नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे। अब पोटैटोज को नमक और हल्दी में अच्छी तरह से रब कर लेंगे। रब करने के बाद हमें पोटैटोज को जो है हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। पोटैटोज को फ्राई करने के लिए मैं ये सेम ऑयल का ही यूज़ करूंगी। तो फिर से गैस ऑन करेंगे और तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके सारे जो पोटैटोज है ऐड कर देंगे। मैं पोटैटोज को बैच वाइज फ्राई कर रही हूँ, तो अब हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक पोटैटोज जो है हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। पोटैटोज फ्राई हो चुका है, अब हम इसे एक ड्राई प्लेट में उतार लेंगे। अब हम मटन बिरयानी के लिए मटन को कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे और तेल को हमें गरम कर लेना है। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें मैंने 2 होल गार्लिक और 2 इंच जिंजर का यूज़ किया है। जिंजर और गार्लिक का रॉस मिल जाने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो मटन। मटन का जो पीसेस है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेशी होना चाहिए, तब जाके बिरयानी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा होता है। अब मटन के कलर चेंज होने तक हमें इसे हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई होने में 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगेगा। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ये फ्राइड जो अनियन है इसे ऐड कर देंगे। अब मटन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप फेटी हुई दही। इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री, 10 से 12 लौंग ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमें कवर करके हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए हमें कुक कर लेना है। इसे हमने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में कुक कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी जो है कम है, इसलिए मैं इसमें और 1 कप पानी ऐड करूंगी। उसके बाद हमें इसे ढक के 40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में कुक कर लेना है। 40 मिनट्स तक कुक करने के बाद मटन भी कुक हो जाएगा और इसका यखनी भी हमें मिल जाएगा। जब तक मटन कुक हो रहा है, मीनवाइल चलिए बिरयानी का जो है राइस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़े से पतीले में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में पानी ऐड किया हुआ है। पानी को हमें बॉईल करना है। पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 हरी इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 लौंग। अब इस पानी को हमें 1 मिनट तक उबाल लेना है ताकि साबुत गरम मसाले का फ्लेवर पानी में अच्छी तरह से मिल जाए। पानी को हमने 1 मिनट तक उबाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी राइस। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम्स बिरयानी का चावल को 1 घंटे तक पानी में सोक करके अच्छी तरह से धो के लिया हुआ है। अब हम इसे पानी में डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा। अब हमें चावल को 60% तक कुक करना है। इसे ओवर कुक बिल्कुल ना करें क्योंकि दम देते टाइम ये ऑटोमेटिक कुक हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, राइस को हमने 60% तक कुक कर लिया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से स्ट्रेन करके एक अलग जगह पे रख देना है। मटन को हमने 40 मिनट्स तक कुक कर लिया है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब मटन को हमें स्ट्रेन कर लेना है, मटन के पीसेस को अलग कर लेना है और इसका जो यखनी है यानी कि ये जो ब्रॉथ आपको दिख रहा है इसे अलग कर लेना है। ये देखिए, हमने मटन को जो है स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके अलग कर लिया है और इसका जो यखनी है इसे हमने हांडी में अलग कर लिया हुआ है। अब हम इस यखनी में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अभी फ्लेम बिल्कुल ऑफ ही रखिएगा। अब इसमें 4 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे। अब हम इसे बिल्कुल हाई फ्लेम में बॉईल कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हो, यखनी में थोड़ा थोड़ा बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमें इस यखनी का फर्स्ट बॉईल आने तक वेट करना है। यखनी उबलने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप फुल फैट मिल्क, जिसमें मलाई भी भरपूर मात्रा में है। यखनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम में बॉईल कर लेना है। यखनी को बॉईल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी का मसाला, जिसे हमने बिल्कुल बिगनिंग में प्रिपेयर किया था। इसे थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसमें सारे मटन के पीसेस ऐड कर देंगे, जिसे हमने बिल्कुल शुरू में अलग कर लिया था। इसे थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड पोटैटोस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे कवर करके बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में 15 मिनट्स के लिए कुक कर लेना है। तब तक ये आलू जो है अच्छी तरह से पक जाएगा और मटन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो आलू को पहले से बॉईल करके इसे ग्रेवी में डाल के बस 5 मिनट तक उबाल के इसे यूज कर सकते हो। बट आलू को पहले से फ्राई करके इसे ग्रेवी में पकाने से क्या होगा ना, आलू के अंदर ये जो यखनी का जो फ्लेवर है अच्छी तरह से अब्सॉर्ब होगा और ये आलू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसे हमने 15 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। पोटैटोज ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं और मटन जो है पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रोज एसेंस। ये रोज़ वाटर से बहुत ही अलग होता है क्योंकि ये रोज़ वाटर से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हो तो आप क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हो। और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून क्योरा एसेंस। क्योंकि क्योरा एसेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैं इसे 1/2 टीस्पून ही यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे तब तक बॉईल करना है जब तक इसका जो क्वांटिटी है बिगनिंग में जितना था उसके हिसाब से बिल्कुल हाफ हो जाए। यानी कि जो ग्रेवी जो शुरुआत में था उसके हिसाब से ये बिल्कुल 50% तक रिड्यूस हो जाए।
ये देखिए ग्रेवी को हमने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लिया है, ये बहुत थिक हो चुका है। बिगनिंग में जितना था ग्रेवी उसके कंपैरेटिवली 50% तक रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें चावल का लेयरिंग करेंगे। अब इस हांडी में ये जो कुक्ड जो चावल है इसे इस तरह से बिल्कुल फैला फैला के डाल देंगे। इसे बिल्कुल प्रेस ना करें, थोड़ा सा गैप्स रहना चाहिए, तब ये चावल अच्छी तरह से ग्रेवी में कुक होगा। चावल हमने हांडी में लगा दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप सैफरन इन्फ्यूज्ड मिल्क। बस मैंने 1/2 कप गरम दूध में 1 टीस्पून सैफरन स्ट्रैंड्स को कुछ देर तक सोक करके रखा था। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। इसे इस तरह से घुमा घुमा के डाल देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन में 4 टेबलस्पून देसी घी और 4 टेबलस्पून बटर को एक साथ मेल्ट कर लिया है। अब इसे भी इस तरह से चावल के ऊपर से घुमा घुमा के डाल देंगे। क्योंकि कोलकाता स्टाइल बिरयानी में आलू के साथ साथ अंडे का भी यूज होता है, तो यहाँ पे मैंने 6 अंडे लिए हैं, हार्ड बॉईल करके लिया हुआ है। इसे अब हमें चावल के ऊपर सर्कुलर डायरेक्शन में इस तरह से डाल देना है। अब हांडी का जो फ्रेम वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर गूथे हुए आटा को बिल्कुल इवनली इस तरह से लगा देंगे। अब एक स्टील का प्लेट को इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करके चिपका देंगे। अब हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम में 30 मिनट्स के लिए दम लगाना है। 30 मिनट्स हो चुका है, अब हमने गैस बंद कर लिया। अब ऊपर से एक कपड़ा रख के इसे एक चाकू के सहारे इस तरह से प्लेट को अलग कर लेंगे। हमारी कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी अब बनके बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का दुर्गा पूजा स्पेशल कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी। आप इसे इस दुर्गा पूजा में या फिर कोई भी ओकेजन में बनाएं। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने गेस्ट को सर्व करें। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।